गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए कैसी उजड़ी उजड़ी सी हूँ मैं, क्योंकि नींद नहीं खुली। आज मेरे बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम खत्म हो गया, आज वो देर से आएगा, और छोटे वाले बेटे का कुछ कुछ है डिक्टेशन वगैरह। यार हिंदी नहीं बनती बच्चों से आजकल, हम हिंदी मीडियम वाले, हमसे इंग्लिश नहीं बनती, वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनसे हिंदी नहीं बनती। लेट्स सी, आई एम क्वाइट वरीड क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा समेटे की किचन की, और फिर अभी खाना चलाया, मेरे शाम को आई नहीं थी, पता नहीं आई नहीं थी कि मैं सो गई तो मैं देखी नहीं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी होता है, तो हो भी सकता है कि भाई हो मैं सो रही हूँ, अभी आएगी तो पता चलेगा। पर एक अमेजिंग सा मौसम है, और मुझे क्या, ये देखो कितना अमेजिंग सा मौसम है, ना धूप ना कुछ, एकदम चकाचक मौसम है। तो साथ में बने रहिएगा। आज मेरा छोटा वाला बेटा कुछ कुछ ऑर्डर देके गया, तो बस ऑन प्रोसेस है हम लोग खाना बनाने। ये देखो आप कितना सुंदर मौसम है, बारिश में मुझे ऐसा लगता है सब कुछ धुल गया है, सब कुछ साफ हो गया अपने आप। 7 तारीख से लेके अभी तक बाहर लेके आए हैं, और अभी भी मेरे को काम ही काम बताते रहते हैं, पति लोग ऐसे ही होते हैं। तो आज हम जा रहे हैं घूमने, सॉरी थोड़ा गुस्से वाले मोड में ऑन हो गया, पर ये पति लोग जो होते हैं ना दिन भर काम बताते हैं, दिन भर। मैं फुल बैटरी हो गई हूँ, मेरे गुस्सा आ रही है, और मौसम इतना अच्छा है कि गुस्सा कम हो रहा है धीरे धीरे। हम जा रहे हैं घूमने करने, और ये आ गए हम विधानसभा के रास्ते पे। एक एज ए इंडियन एक गजब की सॉलिड फीलिंग आती है जब ऐसे तिरंगा लहराता है, अभी तो हवा कम है वरना गजब लहराता है। और ये मिल गया हमको समोसा, इसलिए सारा गुस्सा हो गया गायब, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, ऐसी फीलिंग है। बिरला मंदिर, सुंदर सुंदर सा बिरला मंदिर, जय हो कृष्ण कन्हैया की। अच्छे से मौसम में अच्छी सी ड्राइव, और अच्छा एक मस्त कप चाय, और एक गर्मा गर्म समोसा, वाह और क्या चाहिए। वैसे पता है आपको, पता है ना मेरे को गुस्सा कैसे कम होता है मेरा। बने रहिएगा, आप भी खाइए एंजॉय करिए, मतलब जूठा नहीं दे रही है, एक बार समोसा है। क्या बात है, सब कुछ अमेजिंग एंडलेस है ऐसा लगता है, सब कितना सुंदर है। यार ये भी ओवरफ्लो है क्या, अभी तो थोड़ा ही बचा है क्या। हाँ देखो उधर, और ये है हमारा राजा भोज सेतु। ये क्या रात में बहुत सुंदर लगता है, हाँ चारों तरफ से लाइट्स होती हैं तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। और हमें इंतजार है गरम गरम भुट्टे का, और मेरा छोटा वाला बेटा होता कहता मम्मी भुट्टे। ये अभी 15 अगस्त को होता है यहाँ पे झंडे, झंडे भी 26 जनवरी को, तो 15 अगस्त आने वाला है गाइस, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे क्या हमारा तिरंगा लहराता चारों तरफ, एंड यू विल फील अमेजिंग, इतना अच्छा लगता है हमको। वो तो दिखा दिया समंदर, और आगे इस तरफ आप देखो राजा भोज है, और देखो ये फाउंटेन, इसमें दिख नहीं रहा है शायद, पर गजब है फाउंटेन चल रहा है। और ये आ गए राजा भोज, जिनके नाम से बना है राजा भोज सेतु। बात है यार कहीं घुटता ही नहीं है, बताओ झील घूम के हम चले गए और हमको भुट्टा नहीं मिला, ये तो अन्याय है हमारे साथ है ना। सुंदर पेंटिंग, ब्यूटीफुल भोपाल, ऐसे बोल रही हूँ जैसे अभी अंग्रेजी सीख के आई हूँ। तो इस पार से इस पार जब वो आता था बहुत ही खतरनाक दिखता है, इधर अभी नहीं आया वो, इस पार नहीं आया ना। अच्छा वैसे लगता है स्टेप में बसे हुए इधर 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 ऊपर ने। यहाँ सब कुछ मिल गया,
भुट्टे के अलावा। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, भुट्टा एक खोज अभी जारी रहेगी, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। और ये है डोरेमोन की बारात मिल गई थी जो हम लोगों को रास्ते में, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।